नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडिया और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच भी वनडे सीरीज खेली जा रही है, और आपको बता दें कि टीम इंडिया के फैंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। जी हां, 1 जुलाई कप्तान मिताली राज की अर्धशतकीय पारी, कैट क्रॉस की कातिलाना गेंदबाजी और सोफी डंकली के जुझारू अर्धशतक के सामने फीकी पड़ गई है, जिससे इंग्लैंड ने बुधवार को यहां दूसरे महिला एक दिवसीय दिन रात्रि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की में 2-0 से अजय बढ़त कर लिए, यानी कि सीरीज अपने नाम कर ली है इंग्लैंड ने। मिताली ने रन आउट होने से पहले 92 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 59 रन बनाए, लेकिन बाकी भारतीय बल्लेबाज मध्यम गति की गेंदबाज क्रॉस 34 रन देकर 5 और बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन 33 रन देकर 3 विकेट के सामने नहीं टिक पाई और पूरी टीम 50 ओवर में 221 रन पर ही ऑल आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 55 गेंदों पर 44 रनों का योगदान दिया। अपेक्षाकृत आसान लक्ष्य के सामने इंग्लैंड शुरू में लड़खड़ा गया और 28.5 ओवर के बाद उसका स्कोर 5 विकेट पर 133 रन था, जिसमें दोस्तों डंकली और कैथरीन बंट ने यही 6वें विकेट के लिए 92 रनों की अटूट साझेदारी करके टीम को 15 गेंद शेष रहते ही टीम को जीत दिला दी। इंग्लैंड ने 47.3 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज लॉरेन विनफील्ड हिल ने 57 गेंदों पर 42 और एमी एलन जोन्स ने 34 गेंदों पर 28 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से पूनम यादव ने 2 विकेट लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 63 रन खर्च भी कर दिए। झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे और स्नेह राणा ने 1-1 विकेट झटके। मिताली गर्दन में दर्द के कारण 6 रन के लिए नहीं उतरी और उनकी जगह उपकप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम की अगुवाई की। तो साफ है कि टीम इंडिया को एक और बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से टीम इंडिया वुमेन्स क्रिकेट अब सीरीज भी गंवा चुकी है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।